अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी, टर्किश ब्रेड। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी वो साथ साथ बताती जाऊंगी। तो टर्किश ब्रेड बहुत ही नरम मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें 150 ml गर्म पानी, यानी कि नीम गर्म पानी लेंगे, और 150 ml दूध लेंगे, वो भी नीम गर्म। तो इनको मिक्स कर लेंगे, और साथ ही जो इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून शक्कर और 1 टेबलस्पून ईस्ट। तो नीम गरम ही दूध इसमें जाएगा, ये 150 ml। ये मेरा कप जो है 150 ml का है। तो साथ ये जो मैंने आपको बताया चीनी है, और ईस्ट एक एक चम्मच है। इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। रेस्ट फॉर 10 मिनट्स। तो इसको कवर करके हम रेस्ट देंगे थोड़ा सा। लीजिए 10 मिनट्स हो गए, तो ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसी से इसकी डो तैयार करेंगे। 3 कप मैदा लेंगे, 3 कप मैदा चला गया, 2 और ये 3, और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें डालेंगे तकरीबन, और इसको मिक्स कर लेंगे, और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और साथ ही जो हमने लिक्विड बनाया था उसके साथ इसको गूंद लेंगे, यानी ब्रेड के लिए हम डो बनाएंगे। और ये सारा लिक्विड इसमें जाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि लिक्विड ज़्यादा था या मैदा हमारा कम है, तो फिर आप इसमें 2-4 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं, और अगर लिक्विड आपको कम लगे तो फिर आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको अच्छे से 10 मिनट तक इसको गूंद कर मिक्स करके अच्छे से, तो इसको फिर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा कर ऊपर और रैप करके फिर हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो ये अच्छा खासा फूल जाएगा। तो लीजिए 1 घंटा हो गया, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए अच्छा खासा फूल गया है। बेसिकली जो ईस्ट होता है वो इसको खमीर करने के लिए होता है। तो ये देखिए
अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। 6 हिस्सों में मैंने इसको काट लिया है और उसके पेड़े बना लेंगे हम इक्वल। साथ ही हम इसको बेलन की मदद से फैला लेंगे। दरमियाना साइज है, छोटा जो नॉर्मल ब्रेड से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा है ब्रेड से। और साथ ही हम इस पैन में थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पराठा नहीं बना रहे हैं, ये ब्रेड बन रही है। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा ऊपर फूल बन गए हैं और ये अच्छे से पक गई है। चम्मच की मदद से, चमचे से दबा दबा के आप इसको पका लें और इस तरह हम सारी ब्रेड्स बना लेंगे। देसी घी या मक्खन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही नरम मुलायम और खाने में मज़ेदार, मुंह में जाते ही घुल जाए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपको बहुत पसंद आएगी। किसी भी सालन के साथ आप इसको खा सकते हैं और कुछ भी ना हो आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार है खाने में, बड़ों को बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये हमारी ब्रेड्स रेडी हो रही हैं। इसी तरह हम सारी ब्रेड बना लेंगे। चमचे की मदद से आप दबा दबा के इसको पका लेंगे दोनों साइड से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, हर कोई बना सकता है। सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो बस झटपट से बनाइए इसको और इन्जॉय कीजिए। तो ये लीजिए ब्रेड्स हमारी रेडी हैं माशाल्लाह से सारी। तो बहुत ही सॉफ्ट हैं, ये इसकी फाइनल लुक लीजिए आप, देखें कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस कदर ये नरम मुलायम और सॉफ्ट है और खाने में भी इतनी मज़ेदार के मुंह में जाते ही घुल जाए। ट्राई कीजिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।